मैंने आपको बोला है ना कि ले लिया अब आप जाइए इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स और इंसिडेंटल कंसीडरेशन। मैडम स्पीकर, मुझे लग रहा है ये जो आज का दृश्य है ये अपने आप में दिखा रहा है कि शायद ये लोग नहीं चाहते कि देश के गरीब, देश के छोटे जो निवेशक हैं, वो जब गलत पहनी में आके चिटफंड में डाल देते हैं पैसा, उनका प्रोटेक्शन हो, उनके लिए संरक्षण हो और उनका पैसा बचाया जाए। ये एक दृश्य दिखा रहा है कि शायद कुछ पार्टियां भी इसमें सम्मिलित हो सकती हैं और उसी के कारण आज जब इतना महत्वपूर्ण बिल खासतौर पे बैन करने के लिए अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स को और उन संस्थाओं को जिसमें लोग निवेश करते हैं लेकिन सेबी या आरबीआई या नाबार्ड उनके संरक्षण में जो संस्थाएं नहीं है, ऐसी फर्जी संस्थाओं को डिपॉजिट ना मिले वो बंद करने के लिए आम सहमति थी कि ये लोग गरीब लोग होते हैं, पिछड़े लोग हैं, किसान हैं, इनको नुकसान होता है और उस नुकसान को रोकने के तहत ये बिल पर सबकी सहमति थी। ये स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के तहत ये चर्चा जैसे पारित किया जाएगा। ये निर्णय कल सभी दलों ने मिल के लिया था। मैं आपसे और सदन से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पास करें और देश के गरीबों को ये संरक्षण दें कि कुछ लोग और कुछ पार्टियों के प्रमुख नेता जो गलत प्रकार के काम करते हैं उन सब पे रोको। और आज की ये जो दृश्य है ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि कौन सी पार्टी और कौन से नेता चिटफंड को सपोर्ट करते हैं, कौन सी पार्टी और कौन से नेता चिटफंड के बेचारे गरीब निवेशकों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई मोदी सरकार करेगी। ये सरकार इस प्रकार के गलत कामों को कभी होने नहीं देगी। ये इस देश को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ।